सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे और गूगल में टाइप करेंगे CUCET, और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर CUCET लिखा आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। राइट, तो जो जो CUCET हो गया हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलकर कंडक्ट कराती है। इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलकर इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है। तो इसमें यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है वो है असम यूनिवर्सिटी, उसके बाद है हमारा बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल और यहाँ पे है कालीकट यूनिवर्सिटी बहरमपुर, उसके बाद है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर, इसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल यूनिवर्सिटी है वो 18 यूनिवर्सिटी है जो कि मिलकर इस CUCET कंडक्ट करा रही है। और इस बार इस CUCET कंडक्ट कौन करा रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। राइट, तो ये टोटल जो यूनिवर्सिटी है वो 18 है जो कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है इस बार। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो रही है वो पहले से हो रखी है मार्च 16 से, और अगर हम क्लोजिंग डेट की बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है हमारी अप्रैल 11। हमारे जो एडमिट कार्ड होंगे वो इशू होंगे मई 18 में, और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो जो हमारे अंडर ग्रेजुएट है या फिर जो PG प्रोग्राम है और उनका जो पेपर होगा एग्ज़ाम का होगा वो होगा 30 और 31 मई को। राइट, और ये OMR बेस होगा, OMR बेस मतलब ये ऑफलाइन होने वाला है। अगर हम बात करें रिसर्च प्रोग्राम की PhD की, तो हमारा कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा जो होगा हमारा June 6 और 7 को। राइट, आंसर की बात करें तो जो आंसर की होगी वो अंडर ग्रेजुएट और PG प्रोग्राम की आंसर की आएगी 1 जून को, और जो रिसर्च प्रोग्राम आपका है उसकी जो आंसर की आएगी वो आएगी आपकी 8 जून को। अगर हमारे जो आंसर की है इसमें अंदर कोई करेक्शन होगा तो वो अपलोड हो जाएगा June 8 को और June 15 को। रिसर्च प्रोग्राम का होगा June 15 को, और जो अंडर ग्रेजुएट और PG के प्रोग्राम के जो एग्ज़ाम है उनकी जो करेक्ट आंसर की अपलोड होगी वो होगी हमारी June 8 को। राइट, अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आएगा हमारा June 26 को, तो 26 जून को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद अगर हम जाएं प्रोग्राम देख लेते हैं क्या प्रोग्राम है, तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है सबसे पहले, इसका भी पेपर होगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी ये कंडक्ट कराते हैं, और रिसर्च प्रोग्राम यानी PhD वगैरह के लिए भी ये कराते हैं। राइट, इसके बाद हम देखते हैं अगर आपको किसी भी क्यूरी के लिए इनको कॉन्टेक्ट करना है, तो यहाँ पे इस बार जो कंडक्ट करा रहा है वो कौन करा रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इसको कंडक्ट करा रहा है। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी इन्होंने अपने नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपको किसी तरह की भी कोई क्यूरी है तो आप इन नंबर पे इनको कॉल करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। इन्होंने सभी यूनिवर्सिटी ने अपने फ़ोन नंबर वगैरह डाले हुए हैं, और सभी ने अपने ईमेल आईडी दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जाएंगे यहाँ कैंडिडेट का नेम फिलअप करेंगे, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर डालेंगे, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, और उसके बाद जो आपकी क्यूरी है उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इससे आपकी जो भी क्यूरी है उसको ये क्या करेंगे, ईमेल से या फिर आपको कॉल करके इसको ये आपकी जो क्यूरी होगी इनको क्या करेंगे, इनको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो जनरल OBC EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको UG अंडर ग्रेजुएट और PG के लिए देने हैं 800 रुपया, और रिसर्च प्रोग्राम के लिए जिन्होंने फीस रखी हुई है हमारी 1000 रुपीज़। अगर SC ST के एप्लीकेंट की बात करें
तो अंडर ग्रेजुएट और पीजी के लिए जो फीस रखी है वह 350 और रिसर्च प्रोग्राम के लिए उन्होंने रखा है 450। जो हमारे पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट है उनके लिए कोई फीस नहीं देनी है, उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, राइट। तो यह था हमारे फीस के बारे में। और अगर हम बात करें टेस्ट सेंटर की तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे टेस्ट सेंटर उन्होंने रखे हुए हैं। तो इन्होंने अंडमान निकोबार में रखा है पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में है अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश में गुंटूर। ये सारी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पे इन्होंने सेंटर बनाए हैं। बिहार में बहुत सारे बनाए गए हैं, गुजरात में भी देख सकते हैं, हरियाणा में बहुत जगह पे हैं, जम्मू कश्मीर, सो सभी स्टेट में इन्होंने अलग अलग सिटीज़ में बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हुए हैं। जो आपके सबसे पास है या फिर आपको जो सही लगता है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो ये सब किसके बारे में था, ये था एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। रिसर्च प्रोग्राम के लिए इन्होंने अलग से इस साइड दिए हैं, रिसर्च प्रोग्राम के जो सेंटर है वो इस साइड है, और जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए उनके एग्ज़ाम के सेंटर वो इस साइड दिए हैं, राइट। तो उनको चेक कर सकते हैं, जो आपको सबसे नज़दीक पड़ता है या फिर जो आपके जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। अगर टाइम टेबल की बात करें कब कब एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये जो हमारा अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनका जो एग्ज़ाम होगा कैसा होगा, OMR बेस होगा या फिर वो ऑफलाइन बेस होने वाला है। तो देख सकते हैं मॉर्निंग में ये होगा सैटरडे को 30 मई को, ये 9 से 11 होगा, फिर 12 से 2 और 3 से 5, तो ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। और फिर ये 31 मई को संडे को भी होगा, ये भी सेम सेम ऐसे ही रहेगा। जो रिसर्च प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम के लिए क्या होने वाला है, इनका रहेगा 6 जून को और 7 जून को, 2 शिफ्ट में होगा, 10 से 12 और 2 से 4, राइट। सो ये क्या हमारा टाइम टेबल है एग्जामिनेशन का, कि कब किस किस टाइम ये होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब था CUET के बारे में, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में देख सकते हैं। तो बोलता है फोटोग्राफ इमेज कैसी होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए लाइट कलर या फिर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कैमरे पे स्ट्रेट देखना चाहिए आपको और फ्रंट फेस का फ़ोटो आना चाहिए। तो ये सब क्या है, इन्होंने डायमेंशन वगैरह दे रखी है कि 200x230 पिक्सल का ये होना चाहिए, साइज 20 KB से 50 KG का इसका होना चाहिए। उसी तरह इन्होंने सिग्नेचर के बारे में भी दिया गया है कि जो इसका साइज़ होना चाहिए 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए और साइज होना चाहिए 10 KB से 50 KG KB, राइट। तो ये था फोटो और सिग्नेचर के बारे में। अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो आपने क्या करना है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा आपको डू यू वॉन्ट टू हाउ टू अप्लाई PDF अगेन, सॉरी ये आपके लिए जब पहली बार करेंगे तो नहीं आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर कर देना है, तो एक आपके पास PDF फाइल खुल कर आ जाएगी और इसमें आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे कैसे इस एग्ज़ाम को आप फिल कर सकते हैं, राइट। इस PDF को पढ़ने के बाद आपको कोई भी फॉर्म भरने में, इस फॉर्म को भरने में दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। सो ये सब था आपके CUET एग्ज़ाम के बारे में, आप इसको भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको कंडक्ट कराती हैं और आपका इजीली यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, गुड लक।